अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा कादरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं 25 अप्रैल सैटरडे हफ्ते का दिन है और इस वक्त मैं इंजन बौली एरिया में आई हूँ, जहाँ पर कुछ मुस्तहिक और जरूरतमंद लोग रहते हैं जिनको राशन की सख्त जरूरत है। पिछले कई दिन से मुझे यहाँ से भी कॉल्स आ रहे थे, आज मैं यहाँ पर आई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मुस्तहिक और जरूरतमंद घर के लोग हैं जिनको राशन की सख्त जरूरत है। वैसे भी आप लोग भी जानते हैं लॉकडाउन है और ऊपर से जो रमजान का महीना शुरू हो चुका है, इसकी वजह से कई सारे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान है। क्योंकि जो लोग रोज कारोबार करते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, अपने बच्चों को भी बच्चों को तो पालते हैं रोज कारोबार कर, वैसे लोग इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान है। क्योंकि इस वक्त जैसा कि आप लोग भी जानते हैं रमजान के मौके पर इन लोगों के पास राशन ना होने की वजह से बहुत सारे लोग तकलीफ है। बस हम ऐसे कई सारे लोगों की मुस्तहिक और जरूरतमंद लोगों की हम जरूरत पूरी करना चाहते हैं, उनको राशन के लिए मदद देना चाहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। एक एक घर के लिए हम 800-800 रुपए का पैकेज दे रहे हैं, जिसमें खजूर का पैकेट भी जरूर रहेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ अगर आप लोग पैकेजेस बनाकर देना चाहते हैं तो उसमें आप लोग प्लीज खजूर का पैकेट भी जरूर डालिए, क्योंकि रमजान शुरू हो चुका है तो वो लोग रमजान में जाहिर सी बात है खजूर भी इस्तेमाल करेंगे। तो बस आप लोग देखिए, ये सोचिए कि आपका दिया हुआ खजूर राशन अनाज जो भी रहेगा वो जब तक खाएंगे बराबर आप लोग इनकी दुआ लगेगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि रमजान की जो आपकी जकात होती है, वैसी जकात के कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी जकात के हकदार है, तो आप ऐसी जगह पर अपने जकात इस्तेमाल करिए जहां पर आपको बराबर उसका सवाब जारिया मिलेगा, बराबर अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। तो बस हम यही चाहते हैं कि आप लोग से जितना हो सके ऐसे लोगों के लिए आप लोग जो चाहे मदद कर सकते हैं। अगर आप लोग पैकेजेस बनाकर रखेंगे तो मैं खुद आकर आपके पास से ले लूंगी। तो बस ऐसे हमें कई सारे जगहों पर जाकर कई सारे लोगों की मदद करना है। अब तो रमजान शुरू होने के बाद तो मुझे और भी ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं, कई औरतों के मुझे कॉल्स आ रहे हैं, कई एरियो में हमें जाकर उन लोगों की मदद करना है। लेकिन इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। मेरे पास पूरा स्टाफ खत्म हो चुका है, हमारे पास कुछ स्टाफ नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग जैसे चाहे लोगों की मदद दीजिए। 800 रुपए वाला पैकेज, आप ये मत सोचिए कि हम एक घर के लिए क्या मदद करेंगे, दो घर के लिए क्या मदद होगी। देखिए जरे जरे से दरिया भर जाता है, खतरे खतरे से दरिया भरता है। तो बस आप लोग दो घर, पांच घर, दस घर जैसे चाहे लोगों के लिए मदद दे सकते हैं, कई सारे लोगों की इससे मदद हो सकती है। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं सब, हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं, हमारे बच्चों को काम नहीं, कारोबार नहीं, ऑटो चलाना नहीं, हमारे बच्चे घर में बैठे हुए महीने दो महीने से, हम लोगों का कैसा गुजर रहा अल्लाह कुछ मालूम, अल्लाह अल्लाह के हबीब को मालूम। कहीं भी राशन नहीं मिल रहा बेटे, कहीं भी कुछ मिल रहा नहीं, कुछ नहीं, एक टाइम खा रहे हैं दूसरे टाइम नहीं, तरीका हो रहा, बच्चे छोटे छोटे, अब क्या करेंगे साहब, बोलो आप लोगों की मदद चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे कामों पे नहीं है, एक महीने से बेकार है, चावल नहीं है, शक्कर नहीं है, राशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं गुर्दे की मरीज हूँ, आप लोग मेहरबानी करो, दवा भी नहीं है, डोरी भी नहीं है, आप लोग मेहरबानी करेंगे तो दुआ लगेंगी। छोटे छोटे मेरे बच्चे है, भाऊ है, बच्चे है छोटे छोटे, आप लोग मेहरबानी करो, फरमाओ आप लोग, अच्छी बात है, रमजान का महीना है, वो तो भूखे प्यासे रह रहे हैं। देखो एक महीने से लॉकडाउन है, एक बच्चा कूलर के काम को जाता है, एक बच्चा लेबर के काम को जाता है, भूखे प्यासे है हम लोग घर में। देखो आप लोग मेहरबानी फरमा के कुछ भी देंगे, अल्लाह आपको मेहरबानी करेंगे, हम लोग भूखे है। देखो सुने इंजन बॉडी में रहते, बस हम आपसे यही चाहते हैं कि देखिए कई सारे लोग हैं जो शुगर बीपी के पेशेंट्स हैं, उनके घरों में क्या हाल चल रहा है, कैसा वो लोग रोजा रह रहे हैं, कैसा सहरी कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बस अल्लाह बेहतर जाने। बस हमारे जितना हम उनसे कोशिश करें, हम बराबर पूरी मदद करने की कोशिश करें, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों की दुआएं मिल सकती है। खुदा हाफिज़, जय हिंद।